नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट के पालघर जिला उपाध्यक्ष दिवाकर सिंह मौजूद है, जो हमारे यहाँ की एक्स नगर सेविका श्रीमती शिल्पा दिवाकर सिंह है, उनके हस्बैंड है और खुद राजनीति से जुड़े हुए हैं। इन्होंने यहाँ एक अभी हाल ही में एक बड़ा घोटाला जो है वसईविरार महानगर पालिका का, वो निकाला है। उसका प्रेस नोट इनकी तरफ से जारी किया गया था, उसी पर चर्चा करने हम आए हैं। तो हम दिवाकर जी से बात करते हैं। दिवाकर जी नमस्कार। नमस्कार दिवाकर जी, आपने अभी हाल ही में एक प्रेस नोट जो महानगर पालिका की भर्ती प्रक्रिया है जी। उसमें कॉन्ट्रैक्ट पद्धति पर जो भर्ती होती है उसको लेकर आपने एक प्रेस नोट निकाला है, क्या है वो प्रेस नोट? पानी पुरवाठा में जो मनुष्य बल जो अपन सप्लाई करते हैं ना, उसका ही घोटाला है, जो पहले स्वयंभू कंपनी करके थी जो कर रही थी, और उसका कॉन्ट्रैक्ट कम से कम अभी मार्च में ख़त्म होने वाला था। इन लोगों क्या गाई थी मालूम नहीं, वो 0.99 में काम कर रहा था, मतलब 1% भी नहीं हुआ, और जो अभी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो 20% एक्स्ट्रा में दिया गया है। यानी कि ओवरऑल 19% ज़्यादा महानगर पालिका देकर ये कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो जूना है वो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मार्च तक उनका अवधि थी, अभी तक उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ और इनको नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 20% अबोव। अच्छा, इससे अधिभार जो है पब्लिक के ऊपर, जनता के ऊपर कितना पड़ने वाला है, क्या कुछ इसका इफेक्ट पड़ने वाला है? ये कम से कम एक लमसम पकड़े ना 8,84,00,000 कुछ का है, एक मैंने 9 करोड़ के आसपास पोकट का पैसा मतलब महानगर पालिका यूज कर रही है। अच्छा, ये जो नई कंपनी है, इस कंपनी का नाम क्या है, इसका मालिक कौन है? तो RG कंस्ट्रक्शन करके कोई है जो ये काम लिया है, और ये इसमें ये चौकसी के लिए मैं खुद मुख्यमंत्री साहब से जाके मिले, उनको बताया और उन्होंने खुद सेरा मार के और चौकसी का आदेश आयुक्त साहब को दिए। मुख्यमंत्री महोदय ने खुद उस पर आपकी कंप्लेन को देखा और सेरा मारा है? हाँ, उन्होंने खुद से सेरा मार के उन्होंने दिए। अमूमन यहाँ की जनता की काफ़ी शिकायतें हैं, लेकिन महानगर पालिका उन शिकायतों पर इतनी जल्दी कार्यवाही करती नहीं है। अब यह शिकायत चूँकि मुख्यमंत्री कार्यालय जा चुकी है, और आइए आपको क्या लगता है, क्या महानगर पालिका आपकी शिकायत के ऊपर संज्ञान लेकर इस मामले में कुछ कार्रवाई करेगी? अभी महोदय जी का साइन है, महोदय जी का चौकसी का आदेश है, अब देखते हैं आयुक्त साहब कितना महोदय जी का ये रखते हैं, मान सम्मान रखते हैं। मतलब आप सीधा ये एक सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय का कितना मान सम्मान यहाँ की महानगर पालिका रखती है, यानी कि हम महानगर पालिका से बिल्कुल कोई किसी प्रकार का अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो पब्लिक की बात सुने, लेकिन अब सवाल लेकिन यहाँ पर किंतु ये आ रहा है कि ये मुख्यमंत्री महोदय का आदेश है। जी जी, आपको ये जो जानकारी हासिल हुई, और आपने जाहिर सी बात है कि मैडम ने जो पब्लिक के लिए ये जानकारी हासिल की, इस पर अगर आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी, अगर इस तरह से मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के बाद भी उस आदेश की अवहेलना की जाती है, तो इस पर आप आगे क्या करने वाले हैं? हम वापस मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे, मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि आगे की क्या करनी चाहिए। आप खुद पालघर जिला उपाध्यक्ष है शिंदे गुट के ही, शिवसेना शिंदे गुट के, यानी कि मुख्यमंत्री की जो रूलिंग पार्टी है उसी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं जी। भविष्य में इस तरह के और कई मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ से आवाज़ उठानी, तो आप पब्लिक के साथ कहाँ तक खड़े? 100% मैं पब्लिक के साथ खड़ी हूँ और पब्लिक हमारे साथ खड़ी है। ये विषय यहाँ नहीं है, लेकिन आने वाले चुनाव की बात करते हैं। सिर्फ एक विषय नहीं था लेकिन आए हैं मुलाकात करते, आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी जो है वो यहाँ कितनी सीटों पर लड़ने वाली है, और क्या उसका कुछ मुख्य बिंदु? अभी कैसे ये हमारी भाजपा और बाला साहेबांची शिवसेना, ये दोनों साथ में लड़ेंगे और हर सीट पे लड़ेंगे हम लोग। 115 सीट तो 115 सीट और बढ़ के 125 हुई है, 125 पे हम लोग लड़ेंगे। आपने अभी नाम नहीं बताया, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसा मैंने सुना है कि RG कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है वो कंपनी गोंसालिस परिवार की है, क्या सही है? हाँ सही है। तो गोंसालिस एक गिलसन गोंसालिस वसईविरार महानगर पालिका में प्रभारी सहायक आयुक्त है, ठीक है, जिनके साथ अभी इतना सुख मामला हुआ, मनसे ने मामला उठाया, तो एक भाई जो महानगर पालिका में पहले से एक अधीक्षक के पद पे और प्रभारी सहायक आयुक्त के पद पे बैठे हुए हैं, दूसरा भाई जिनको इस तरह से ज़्यादा पैसे में कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, तो क्या किसी परिवार विशेष के प्रति महानगर पालिका का ये कोई विशेष प्रेम नहीं झलक रहा है?
ऐसा तो पूरा पब्लिक को लग रही है कि ज़्यादा ही विशेष प्रेम झलक रही है। अब इसके लिए चौकसी दिया गया है, अब चौकसी में मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है, क्योंकि आपका मतलब इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, उनका भाई साहब थे और उनके भाई और उनके मिसेज का दो फॉर्म आता है और आप कॉन्ट्रैक्ट दे दे रहे हो। मतलब यहाँ भी ये भी घोटाला है कि दो ही फॉर्म आते हैं, एक हस्बैंड के नाम से एक वाइफ के नाम से, एक ही घर में दो कंपनी। हाँ, एक ही घर में दो कंपनी, मतलब सीधा सीधा ये कोई अनजाने में की गई गलती नहीं है, सीधा का सीधा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है, 100% भ्रष्टाचार है, अब पूरा घोटाला ही घोटाला है। और आगे के लिए और एक दो घोटाला है जो आपको मैं एक 5-7 दिन के अंदर आपको वो भी मीडिया के सामने मैं खड़ा करूँगा। तो ये हम दिवाकर सिंह जी से बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि वसई विरार महानगर पालिका में इस समय क्या चल रहा है। एक कंपनी जो पहले से महानगर पालिका को मनुष्य बल 0.99% में अवेलेबल करवा रही है, उस कंपनी को दरकिनार किया जाकर यहाँ पर 20% अधिक लेने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट सीधे तौर पर दिया जा रहा है। इस समय प्रशासक राज है, लेकिन प्रशासक राज होने के बावजूद भी ये कंपनी जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उनके संबंध किससे क्या है ये जग जाहिर है। तो क्या ये सवाल ये उठता है कि महानगर पालिका किसी एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रही क्या? इस सवाल का जवाब महानगर पालिका को देना पड़ेगा। और रही बात इस मामले की, तो ये मामला माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक जा चुका है। अब ये देखा जाता है कि मुख्यमंत्री महोदय की जो दो वर्ड है उस कागज पर लिखे हुए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें चौकसी की जाए, तो क्या इसमें चौकसी की जाकर संबंधित गुनहगार अधिकारियों पर कार्यवाही महानगर पालिका करेगी, ये सवाल बड़ा है। अभी के लिए यहीं रुकते हैं, अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।